हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके जानेंगे 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 2 मिनट में। वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 7 समंदर पार से भारतीयों ने भर दिया भारत का खजाना, साल 2022 में भेजे रिकॉर्ड तोड़ $100 अरब। दिल्ली MCD चुनाव के कारण 3 दिनों तक मनाया जाएगा ड्राई डे, प्रचार का आज अंतिम दिन। G20 सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चुनौतियों का हल लड़कर नहीं मिलकर निकाला जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा कर राज्यों का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, असम के CM का कांग्रेस पर तगड़ा हमला। दक्षिण कोरियाई महिला यूट्यूबर की हिम्मत को सलाम, छेड़छाड़ की घटना के बाद बोली, अद्भुत भारत दिखाती रहूंगी। गुजरात चुनाव के पहले चरण में 7% मतदान, कंधे पर रसोई गैस सिलेंडर लेकर मतदान केंद्र पहुंचा युवक। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा, दिल्ली UP सहित मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री दर्ज किया गया। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ पूरा, तिहाड़ से निकली FSL की टीम। NIA ने लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार। वंदे भारत एक्सप्रेस फिर हादसे का हुई शिकार, गाय से फिर एक बार टकराई। उत्तर गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, आपको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने किया बड़ा दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, चेन्नई मुंबई और दिल्ली में 16 ठिकानों पर रेड पड़ी। गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने पर CM भगवंत मान बोले, मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी को जल्द लाया जाएगा भारत। इसरो जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की 4 आरोपियों की जमानत, केरल हाई कोर्ट के आदेश को पलटा। केंद्र सरकार किसानों को नए साल पर देगी खुशखबरी, किसानों के खाते में आएगी PM किसान की 13वीं किस्त।